आज हम लोग डीएवी क्लास 7 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 16 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि इंडिया में मुगल एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और उसके बाद इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर कर आते हैं, और उन्हीं सारे स्टेट्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं, इसीलिए इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में कम्प्लीट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है, और अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके अगले पार्ट का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अब आपको डीएवी ग्रुप पर हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सभी के वीडियोस को मैंने डीएवी ग्रुप के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार डीएवी ग्रुप पर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नए क्लासेस होते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके स्टोरी को हम लोग पिछले चैप्टर की स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल कैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। उसी तरीके से हम लोग को अवध के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिख्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मराठास के बारे में पढ़ना है, राजपूतों के बारे में पढ़ना है, और फाइनली मैसूर के बारे में पढ़ कर ये चैप्टर हम लोग का कम्प्लीट हो जाएगा। शुरू में यहाँ पर हम लोग को बताया गया कि मुगल एम्पायर ने लगभग पूरे देश को एक यूनिट में जोड़ दिया था, यूनाइट कर दिया था उसने। सिर्फ डेक्कन और साउथ इंडिया को छोड़कर लगभग पूरा देश उनके अंडर आ चुका था। लेकिन जब एम्परर औरंगजेब का डेथ हुआ ना, उसके बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा, मुगल एम्पायर खत्म होने लगा ग्रेजुअली, और धीरे धीरे इसका ग्लोरी खत्म हो गया। और जो मुगल एम्पायर था ना, वो दिल्ली के अराउंड ही कुछ किलोमीटर के एरिया में सिमट कर रह गया। उसके बाद 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने, मतलब अंग्रेजों ने, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उस समय जो मुगल एम्पायर था दिल्ली में, उसको वो पेंशनर बना लिया, पेंशनर इन द सेंस एक तरीके से पपेट बना लिया। मुगल साम्राज्य में वार ऑफ सक्सेशन एक ट्रेडिशन बन चुका था। वार ऑफ सक्सेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई राजा मरता था ना, तो उसके बाद कौन राजा बनेगा ये डिसाइड करने के लिए हमेशा युद्ध होता था। और इसी कारण से मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुका था। उसके बाद बहुत सारे लोकल और रीजनल फोर्सेस इंडिया में उभर कर आए, सब मुगल का विद्रोह करने लगे। और उसके बाद 18th सेंचुरी में बहुत सारे इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स इंडिया में इमर्ज हुए, जैसे कि बंगाल अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, अवध अलग हो गया मुगल से, हैदराबाद अलग हो गया, मैसूर अलग हो गया, और मराठा किंगडम भी अलग हो गया। इन पांचों में बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर जो था ना, वो सेमी इंडिपेंडेंट था, मतलब पूरी तरीके से मुगल एम्पायर के बाहर वो नहीं आया था। लेकिन जो मराठा किंगडम था ना, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था, मुगल एम्पायर का थोड़ा भी कंट्रोल इस पर नहीं था। द ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दीज पावर्स टू स्टेबलाइज देयर एम्पायर इन इंडिया। आपको पता है कि इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हो गया था, अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था, और अंग्रेजों को पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये जो छोटे छोटे पावर्स थे ना, इनको अपने कंट्रोल में लाना पड़ा था। इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने का 2 रीज़न यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, जिसको आपको याद रखना है। इसमें बताया गया है कि सम ऑफ दीज स्टेट हैड टू कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अवे ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के अंदर में जितने सारे प्रोविंसेस थे ना, जितना सारा छोटा छोटा सूबा था, उसके अलग अलग गवर्नर्स थे, अलग अलग सूबेदार थे। जब उन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर कमज़ोर हो चुका है, तो उसके अंडर जो गवर्नर काम करते थे ना, उन्होंने अपने अपने प्रोविंसेस को, अपने अपने सूबे को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। सम अदर स्टेट कम इनटू पावर बिकॉज ऑफ रिवोल्ट्स बाय लोकल चीफ एंड जमींदार। और कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो कि अलग इस कारण से हुए क्योंकि वहाँ पर जो चीफ थे ना, लोकल चीफ और ज़मींदार लोग जो थे, वो सब रिवोल्ट कर दिए, वो सब विद्रोह कर दिए मुगल एम्पायर से बाहर आने के लिए, और उसके बाद वो लोग अपना एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए। बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो छोटे छोटे किंग्स बने थे ना, वो लोग अपने स्टेट के इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाए।
यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक से स्टार्ट होता है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग को बंगाल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बना था, इसके पीछे क्या स्टोरी है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर देखिए एक नाम दिया गया है जो कि है मुर्शीद कुली खान। ये बंगाल का सबसे पहला नवाब था। ये नवाब कैसे बना था, इसके पीछे का स्टोरी चलिए जान लेते हैं। मुर्शीद कुली खान जो था ना, इसको पहले सूबेदार बनाया था। मुगल्स के समय में इसको सूबेदार बनाया गया था और बाद में ये दीवान भी बना था। लेकिन जब इसने देखा कि मुगल्स का जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो ये सोचा कि बंगाल को मुगल्स के अंडर में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुगल्स तो कमज़ोर हो चुके हैं। फिर उसने मुगल्स के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया और बंगाल को उसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल ओनली इन 1717 CE एंड स्टेबलाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस देयर। वह सिर्फ एक बार बंगाल का गवर्नर बना था 1717 CE में, और वहाँ पर उसने इंटरनल और एक्सटर्नल पीस स्थापित किया था, स्टेबलाइज किया था। उसके समय में हर तरफ शांति थी, सारी कानून व्यवस्था उसके समय में बहुत अच्छे से चल रही थी। ही ऑर्गेनाइज द रिवेन्यू सिस्टम, उसने रिवेन्यू सिस्टम को भी दुरुस्त किया था। उससे पहले मुगल एम्पायर जब था तो उस समय करप्शन बहुत ज़्यादा था, टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था, तो इसने रिवेन्यू सिस्टम को भी ठीक किया था। और जो पुअर कल्टिवेटर्स थे, जो गरीब किसान थे, उसको ये लोन भी देता था। ही ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द अपॉइंटमेंट टू हाई ऑफिशियल पोस्ट। जो बड़े बड़े पद थे उसके राज दरबार में, उस पर बैठने के लिए वो सभी को बराबर मौका देता था, हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी। मुर्शीद कुली खान का जब डेथ हो जाता है तो उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बन जाता है, और इसके बाद अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। तो तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो तीनों नवाब थे ना बंगाल के, ये ट्रेड का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानते थे कि व्यापार कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए वो जितने भी मर्चेंट थे ना, चाहे वो लोकल मर्चेंट मतलब आसपास के मर्चेंट, चाहे फॉरेनर बाहर से विदेश से आने वाले जो मर्चेंट थे, सभी को वो फैसिलिटीज़ देते थे। दे बिल्ट रोड, थानाज एट्सेट्रा, और इसके लिए उन्होंने रोड बनवाए थे, थाना बनवाए थे और भी बहुत सारे चीज़ बनवाए थे ताकि व्यापार बहुत अच्छे से हो सके। दे इवन फोर्स द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी किसका था, अंग्रेज़ों का था, उन्होंने अंग्रेज़ों पर भी दबाव बनाया था कि वो सभी कानून को माने और वो उतना ही कस्टम ड्यूटी दे जितना कस्टम ड्यूटी लोकल मर्चेंट पे करते हैं। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये एक टाइप का टैक्स होता है। अगर आप स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को लेकर जाएंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो अंग्रेज़ों को भी कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए ये लोग फोर्स करते थे। यहाँ पर डिवीजन में बताया गया कि बंगाल के जो नवाब थे ना, वो शॉर्ट साइटेड थे, बहुत दूर का ये लोग नहीं सोचते थे, और इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इंडिया पर खतरा था ना, उसको ये लोग नहीं भाप पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, इससे पहले अफ्रीका, एशिया के कुछ पार्ट्स और साउथ अमेरिका को बर्बाद कर चुका था। अब हम लोगों को अवध के बारे में पढ़ना है कि अवध कैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। यहाँ पर बताया गया कि सादत खान ने अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया था। सादत खान था कौन, ये उससे पहले अवध का गवर्नर था। इसको 1722 में अवध का गवर्नर बनाया गया था, और गवर्नर बनाने वाला कौन था, एक मुग़ल एम्पायर था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। लेकिन जब सादत खान ने देखा कि मुग़ल एम्पायर जो है कमज़ोर हो चुका है, तो इसने भी सोचा कि अब अवध को इसके अंडर में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, और उसके बाद इसने भी अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। ही कंट्रोल द अपोजिशन बाय द जमींदार्स, जमींदार लोग नहीं चाहते थे कि सादत खान अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, क्योंकि ज़मींदारों का फ़ायदा इसी में था कि वो मुग़ल के अंडर रहकर काम करें, क्योंकि मुग़ल लोग इसको अलाउ करते थे कि जो छोटे किसान हैं ना, उनसे ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करें, उसके बाद इनको खेती करने दें। और इसी कारण से सबसे पहले ज़मींदारों को कंट्रोल करना पड़ा सादत खान को, और उसके बाद इसने रिवेन्यू सिस्टम को ठीक किया। पहले सब लोग करप्ट थे, सबको इसने ठीक किया, और उसके बाद छोटे किसानों को भी इसने प्रोटेक्ट किया ज़मींदारों से।
ही स्टेबलाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और उसके जो आर्मी थे ना वो लोग वेल पेड हुआ करते थे, बहुत अच्छा पैसा उनको मिलता था, वेल ट्रेंड हुआ करते थे, बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता था और वेल आर्म्ड हुआ करते थे, उनके पास हथियार भी बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे। सादत खान के बाद सादत खान का भतीजा जिसका नाम था सफदरजंग, वो 1739 में राजा बन जाता है अवध का। ही ऑल्सो बिकेम अ वजीर एट द मुगल कोर्ट, और मुगल दरबार में वो वजीर भी रह चुका था। ही स्टेबलाइज पीस विच लेड टू डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अवध, उसने अवध में शांति स्थापित की और उसके कारण अवध का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो पाया। इट ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर अराउंड द अवध कोर्ट, उसने लखनवी कल्चर को भी बहुत बढ़ावा दिया, लखनवी कल्चर का उस समय बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ। चलिए अब हैदराबाद के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बना था। यहाँ पर बताया गया है कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने वाले का नाम था निजाम उल मुल्क असफ जह, बहुत लंबा नाम है, आपको इसको याद रखना है। और 1724 में इसने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। ही वॉज मेड द वॉइसराय ऑफ डेक्कन, उसको डेक्कन का वॉइसराय बनाकर भेजा गया था टू सप्रेस द अपोजिशन, ताकि वो अपोजिशन पर काबू कर सके। हम आपको बताए थे कि डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया पर मुगल्स का कंट्रोल नहीं था और इसी कारण से निजामुल मुल्क को वहाँ का वॉइसराय बनाकर भेजा गया था ताकि वो वहाँ पर भी शासन कर सके, मुगल्स का जो कंट्रोल था वो डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया पर भी हो सके। अब देखिए यहाँ पर 1720 का स्टोरी दिया गया है, मतलब जब निजाम ने 1724 में हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कर लिया, मुगल से अलग कर लिया, उससे एग्जैक्टली 4 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो 4 साल पहले निजाम को वजीर बनाया गया था और निजाम को वजीर बनाने वाला कौन था, मोहम्मद खान था, जो कि एक मुगल एम्पायर था। वजीर रहते हुए निजाम ने कोशिश किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम वो ठीक कर सके, क्योंकि मुगल्स के समय में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो चुका था। लेकिन वो एम्पायर इतना ज़्यादा करप्ट था और फीकल माइंडेड था, मतलब इतना ज़्यादा अड़ियल था कि निजाम ने हार मान लिया और उसके बाद वो डिसाइड किया कि वो वापस डेक्कन जाएगा और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो हैदराबाद को कभी भी ओपनली एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तरह घोषित नहीं कर पाया और वो हमेशा के लिए मुगल के अंडर ही काम करता रह गया। उसने ज़मींदारों को कंट्रोल कर लिया और उसने रिवेन्यू सिस्टम को भी ठीक कर लिया और करप्शन को एक तरीके से एंड ही कर दिया था। लेकिन फिर उसका 1748 में डेथ हो जाता है और उसके बाद फिर से हैदराबाद में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। अब देखिए सबसे अंतिम पैराग्राफ में बताया गया कि जितने भी स्टेट्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े ना, जिसमें कि पहला था बंगाल, दूसरा था अवध और तीसरा था हैदराबाद, ये सब कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित नहीं किए थे। एक तरीके से ये लोग मुगल के अंडर में ही रहकर काम करते थे। दे कंटिन्यू टू प्लीज द एम्पायर, वो लोग हमेशा एम्पायर को खुश किया करते थे बाय सेंडिंग ट्रिब्यूट्स, हमेशा कुछ ना कुछ तोहफा भेजकर एम्पायर को खुश करते थे और बाय हेल्पिंग हिम इन द टाइम ऑफ नीड, और जब भी मुगल्स को कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता था, हेल्प लगता था, तो ये लोग उसका मदद भी किया करते थे। बट देयर वर अदर स्टेट्स दैट ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल एम्पायर, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जो कि मुगल एम्पायर से कम्प्लीटली अलग हो चुके थे और ये लोग मुगल एम्पायर्स को थोड़ा सा भी भाव नहीं देते थे। और ये लोग कौन थे, ये लोग थे सिख, मराठा और राजपूत, जिनके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद जितना सारा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ लेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो इसका सेकेंड पार्ट भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अभी तक मैंने सोशल साइंस के जितने सारे चैप्टर्स को कम्प्लीट करवा दिया है, उनका प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।